हेलो एवरीवन, आज हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का आगे का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ठीक है। दिस इज़ आल्सो द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो लॉजिक, ठीक है, लॉजिक फॉर्मल सिस्टम फॉर डिस्क्राइबिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। यदि हम लॉजिक को सिंपल यदि सिंपल वे में या सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, तो मतलब कि सम फैक्ट, सम ऐसा ट्रूथ, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके थ्रू हम कुछ कुछ उसे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे एक ऐसा लॉजिक होता है जो कि एग्जिस्टेंस में रहता है, ठीक है। तो हम किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए उसका एक सम सिंटेक्स का यूज़ करते हैं और सिमेंटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। विच इसको इसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, लॉजिक, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सिंटेक्स की ज़रूरत होती है किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कैसे उसके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। उसके लिए हमको सिंटेक्स रिक्वायरमेंट होता है। देन सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, विच स्टेट दैट सिमेंटिक कंस्ट्रेंट ऑन हाउ स्टेटमेंट्स रिलेट टू स्टेट ऑफ अफेयर, ठीक है। कैसे स्टेटमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसके लिए हमको उसकी सिमेंटिक या मीनिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। देन उसके बाद होता है प्रूफ थ्योरी, ठीक है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर डिड्यूसिंग द एंटेलमेंट ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। एंटेलमेंट मतलब कि उसका प्रूफ, ठीक है। तो उसमें जो है ऐसा हमको सेट ऑफ रूल चाहिए, ठीक है, जिसको हमको फॉलो करके, जिसको डिड्यूस करके हम उस पर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एंटेलमेंट कर सके, ठीक है। तो ये लॉजिक का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ और टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है इसकी, कि अ लैंग्वेज विच कॉन्क्रीट रूल्स, ठीक है, जो कि रूल बनाता है, ठीक है। इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये टू द पॉइंट रहेगा। और इट अलाउ अन एम्बिग्यूस कम्युनिकेशन और प्रोसेसिंग, इसमें अन एम्बिग्यूस कम्युनिकेशन और प्रोसेसिंग जो है ये होती है, ठीक है। मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैनी वे टू ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेजेस, ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अ स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंट इन अ डिफरेंट लॉजिक, एक स्टेटमेंट अलग अलग लॉजिक के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डिफरेंटली इन द सेम लॉजिक, अलग अलग स्टेटमेंट को एक लॉजिक में हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब जो लॉजिक होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक या बुलियन लॉजिक, और दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक विद प्रेडिकेट कैलकुलस एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो दो लॉजिक है, एक होता है प्रोपोजिशनल और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सिंबल रिप्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, पूरे जो प्रीपोजिशन है उसको सिंबल के फॉर्म में, फैक्ट्स के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम बूलियन कनेक्टिविटीज़ जैसे एंड और, ओके, इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन, नॉट, ये जो है इस टाइप के बूलियन कनेक्टिविटीज़ कनेक्टिव्स जो है यूज़ होते हैं किसमें, प्रोपोजिशनल लॉजिक में, ठीक है। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, ठीक है, इट इज़ सनी, ये जो स्टेटमेंट है इसको जस्ट रेनिंग, सनी, इस तरीके से, कि एक स्टेटमेंट है इफ़ इट इज़ रेनिंग देन इट इज़ नॉट सनी, रेनिंग इम्प्लाइज नॉट सनी, ठीक है। तो ये इस फैक्ट का इस तरीके से प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हमको जो डिटेल में देखना है वो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि इट कमिट्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट ऑन द ऑब्जेक्ट्स। प्रेडिकेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं और प्रॉपर्टी या रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट्स, ठीक है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी यूज़ होती है बूलियन कनेक्टिविटी के साथ साथ क्वांटिफायर्स यूज़ होता है, ठीक है,
विच अलाउ सेंटेंस टू बी रिटन अबाउट एवरीथिंग इन यूनिवर्स, ठीक है। इसको बहुत रियलिस्टिक वे में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसे प्रिडिक्ट जो होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जो है हम इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे शॉर्ट में FOL या FOPL भी कहा जाता है। इट वॉज डेवलप्ड टू एक्सटेंड द एक्सप्रेसिव वे ऑफ PL, ठीक है। प्रेडिकेट लॉजिक का एक्सप्रेसिव वे में एक्सटेंशन है ये। इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक दैट परमिट्स रीजनिंग अबाउट वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एज रिलेशनल एंटिटी एज वेल एज क्लासेज और सब क्लासेस, ठीक है। तो ये रीजनिंग होता है पूरे वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एज रिलेशनल एंटिटीज एज वेल एज क्लासेस और सब क्लासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के सभी को ये रीजनिंग के फॉर्म में एक जनरलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ FOL इज डिटरमाइंड बाय द अलाउड सिंबल्स एंड असाइन टू प्रेडिकेट्स रेदर देन प्रोपोजिशंस, ठीक है। तो इसका एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है जो कि अलाउ करता है सिंपल को सिंबल्स को और प्रेडिकेट्स को रेदर देन प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन के साथ साथ किसको अलाउ करता है, प्रेडिकेट्स को, ठीक है। तो सिंटेक्स में क्या क्या यूज़ होता है, कनेक्टिविटी में देखेंगे हम। देयर आर फाइव ये कनेक्टिविटी सिंबल है, नॉट एंड और, ठीक है, इंक्लूसिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इम्प्लीकेशन एंड इक्विवेलेंस, ठीक है, इफ एंड ऑल इफ, ये होता है इम्प्लीकेशन। एंड क्वांटिफायर में क्या क्या है, ये जो है देयर एग्जिस्ट भी कहते हैं, एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे देयर एग्जिस्ट भी पढ़ा जाता है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम, देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, और फॉर सम एक्स, ठीक है, फॉर सम, इसके लिए ये देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर का यूज़ किया जाता है। और ये जो इस तरीके का ए जो है ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है, ये क्वालिफायर इसे कहा जाता है फॉर ऑल, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर का यूज़ किया जाता है FOL में। उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद जो है फंक्शंस, इसे यदि FOL में फंक्शन रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल लेटर में FGH इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो है कैपिटलाइज वर्ड जो है इस तरीके से PQ इक्वल टू लाइक्स, ठीक है, इस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। और जो है पंक्चुएशन वगैरह के लिए होता है, पैरेंथेसिस होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, देन जो है ब्रैकेट्स होते हैं, ये जो है सारे सिंटैक्स जो होते हैं FOL में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्कस वॉज अ मैन, ठीक है, तो इस जो ये सेंटेंस है इसका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होगा मैन इन ब्रैकेट मार्कस, ठीक है। वैल्यू क्या है, मार्कस मतलब कि मार्कस जो है वो मैन है, ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मार्कस वॉज ए पमेरियन, ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑल पम्पेनियन वेयर रोमन्स, ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स पम्पियन एक्स इम्प्लाइज रोमन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक सेट टाइप का लिया गया है एक्स, जैसे कि पम्पेरियन एक्स इम्प्लाइज रोमन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल एक्स एंड पम्पेरियन एक्स टेंस टू रोमन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसे एक्स की सभी वैल्यू के लिए ये जो प्रेडिकेट है ये जो होगा रिप्रेजेंट होगा। वैसे ही जो है एक और है केसर, जैसे कि यहाँ पर लिखे है ऑल रोमन वेयर आइदर लॉयल टू सेजर और हेटेड हिम, ठीक है, तो जो है फॉर ऑल एक्स रोमन एक्स टेंस टू लॉयल टू दिस और हेट दिस, ठीक है। तो ये जो जो ये सीजर केजर है, ठीक है, वो लॉयल एक सेट होगा लॉयल टू और एक होगा हेट का, ठीक है। तो ये जो रोमन है लिखा ना ऑल रोमन्स, इसलिए फॉर ऑल एक्स रोमन एक्स, ठीक है, सभी रोमन के लिए क्या होता है वो लॉयल टू एक्स
यहाँ पे दो जो आर्गुमेंट लिए हैं, क्योंकि लॉयल टू में दो चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है, लॉयल टू पर्टिकुलर एक्स और ये, ठीक है। वैसे हेट में भी दो यहाँ पे वैल्यू रहेगी, एक्स एंड सेसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसे जो है इस तरीके से इसका FOL बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, एवरी वन इज़ लॉयल टू सम वन, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स सम वाई, ठीक है, किस तरीके का है, लॉयल टू एक्स टेंस एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो लॉयल टू एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है, मतलब कि ये फंक्शन है लॉयल टू, ठीक है, एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सम वाई, ठीक है। तो किसी भी बहुत सारे एक्स में, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए कुछ वाई ऐसे हैं जो कि लॉयल टू है, ठीक है, एवरी वन इज लॉयल टू सम वन। तो इस तरीके से हम इस जो है इस फैक्ट इस स्टेटमेंट को इस तरीके से FOL प्रेडिकेट लॉजिक में इसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। पीपल ओनली ट्राई टू असैसिनेट रूलर्स, दे आर नॉट लॉयल टू, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, ठीक है, पीपल ओनली ट्राई टू असैसिनेट रूलर, दे आर नॉट लॉयल टू, ठीक है। पीपल किनको किनको जो है, पर्सन एक्स एंड रूलर एक्स वाई, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है, एंड ट्राई टू असैसिनेट एक्स कॉमा वाई ओनली दोस, ठीक है, ये कब कब होगा, जब नॉट लॉयल टू एक्स वाई, ठीक है, जब लॉयल टू नहीं है एक्स वाई से, तब ये सारी चीज़ें कब होगी, पर्सन रूरल एंड ट्राई टू असैसिनेट इम्प्लाइज नॉट लॉयल टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है सभी एक्स और सभी वाई के लिए, पर्सन एक्स रूलर वाई, ठीक है, सारे पर्सन ओनली, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक्स लिया, यहाँ पे वाई लिया, अलग अलग है, क्योंकि ऐसे पर्सन जो कि रूलर हैं, ठीक है, और रूलर ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पीपल ओनली ट्राई टू असैसिनेट रूलर, ठीक है, एज पर्सन उन रूलर को असैसिनेट कर सकते हैं जो कि लॉयल नहीं है, ठीक है। तो इसका इस तरीके से प्रेडिकेट लॉजिक में रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है जिसमें कि स्टेटमेंट दिया है, ऑल एम्प्लॉय अर्निंग यूरो 1500 और मोर पर ईयर पे टैक्सेस, ठीक है, सभी एम्प्लॉय अर्न करते हैं जो कि 1500 से ज़्यादा, ठीक है, वो पर ईयर पे टैक्स करते हैं, ठीक है। पे टैक्स कौन पे करता है, ऐसे एम्प्लॉय जो कि 1500 से ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। अब सम एम्प्लॉय आर सिक टुडे, ठीक है, कुछ एम्प्लॉय जो है सिक हैं, और नो एम्प्लॉय अर्न मोर देन द प्रेसिडेंट, कोई भी एम्प्लॉय प्रेसिडेंट से ज़्यादा अर्न नहीं करता है। ये तीन जो स्टेटमेंट है, ठीक है, सेंटेंस है, इसके लिए हमको प्रेडिकेट और जो है FOL बनाना है। तो इसमें हम प्रेडिकेट और फंक्शंस फाइंड करेंगे। तो एम्प्लॉय जो होगा, एम्प्लॉय ई एक्स, ठीक है, ये प्रेडिकेट हुआ। पी एक्स प्रेसिडेंट के लिए, आई एक्स ये फंक्शन है इनकम, ठीक है, इनकम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी पर्सन एक्स का इनकम है ये, ठीक है। जी ई यू वी, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू यू, जी ई यू वी मीन्स यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी, ठीक है। देन ये अगेन एक प्रेडिकेट है सिक के लिए, और टैक्स के लिए टी एक्स ही प्रेडिकेट है, जहाँ स्मॉल लेटर में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वही फंक्शन होता है, ठीक है, FOL में ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो तीनों स्टेटमेंट है इसका हम FOL देखते हैं। तो ऑल एम्प्लॉय अर्निंग, ठीक है, तो इसके लिए फॉर ऑल एक्स ई एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आई एक्स 1500, ठीक है, इनकम किसकी, इस एक्स के लिए, सभी एक्स के लिए, एम्प्लॉय एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आई एक्स 1500, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि ग्रेटर देन जो इनकम है ग्रेटर देन 1500, ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉय जो कि जिसकी सैलरी इनकम जो है 1500 से ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं,
टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। टी एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है टैक्स के लिए है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सम एम्प्लॉई आर सिक टुडे, ठीक है, यहाँ पे सम यूज़ हुआ है, ठीक है, सम के लिए देयर एग्जिस्ट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर जो है देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, एम्प्लॉय सिक टुडे, ठीक है, फॉर सम वाई एम्प्लॉय वाई टेंस टू सिक, ठीक है, सिक वाई, ठीक है, तो कोई जो एम्प्लॉय कुछ कुछ एम्प्लॉय जो है वो क्या है सिक है फॉर टुडे। उसके बाद नो एम्प्लॉय अर्न मोर देन द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो एम्प्लॉय और प्रेसिडेंट की सैलरी जो है हमेशा जो है उससे ज़्यादा होगी, एम्प्लॉय की सैलरी प्रेसिडेंट से ज़्यादा होगी, तो इसके लिए देयर एज एग्जिट नहीं फॉर ऑल वाई एंड एक्स एंड वाई एम्प्लॉय ई एक्स एंड प्रेसिडेंट पी वाई दोनों ही जो है इनका जो ये जो है क्या इम्प्लाई करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू आई एक्स आई वाई, इनकम ऑफ आई एक्स मतलब एक्स किसके लिए है एम्प्लॉय के लिए है और ये वाई किसके लिए है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय और प्रेसिडेंट की है तो इसमें इसकी जो सैलरी है एम्प्लॉय की और इसमें जो है ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, तो नो मोर देन अर्न नो एम्प्लॉय अर्न मोर देन द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम स्टेटमेंट का क्या करते हैं प्रेडिकेट फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक बनाते हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चंस आते हैं कई बार, इस स्टेटमेंट गिवन रहता है उसका प्रेडिकेट लॉजिक बनाना होता है, और यदि हम नेट सेट में यदि नेट सेट या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसमें भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिसका प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक बनाने के लिए या उसमें जो करेक्शंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है समझ में आया होगा, ठीक है, तो इसमें जो होगा हम क्या यूज़ करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक का ये एक्सटेंशन होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स या रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, इसमें क्वांटिफायर यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी स्टेटमेंट का, ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच।